नमस्कार दोस्तों, हमारे इस FTR सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह और आप मेरे साथ छत्तीसगढ़ में स्थानीय प्रशासन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हमने अपने कल के वीडियो में कहा था कि हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में जो भी प्रश्न आएंगे, हम अगला वीडियो उन्हीं कमेंट पर आधारित रखेंगे। तो कुछ प्रश्न आए हैं, आइए हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आया है वह आया है PK नायक जी का। इन्होंने लगभग 3 प्रश्न पूछे हैं, हम इनके तीनों प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है इनका कोरम के ऊपर, इनका प्रश्न है कोरम के ऊपर, गणपूर्ति के ऊपर, है ना। गणपूर्ति, तो गणपूर्ति कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? गणपूर्ति आपको दो जगह देखने को मिलेगी। पहली गणपूर्ति आपको देखने को मिलेगी परिषद में, चाहे वह नगर पालिका परिषद हो, नगर पंचायत हो या नगर निगम हो, और एक आपको देखेगी PIC में, प्रेसिडेंट इन काउंसिल में, या MIC में। ठीक, परिषद में की जो गणपूर्ति होगी, इसमें गणपूर्ति होती क्या है? तो गणपूर्ति या कोरम वह मिनिमम संख्या है जिसके अभाव में कोई भी बैठक पूर्ण नहीं हो सकती, यानी कि कोई बैठक शुरुआत ही नहीं होगी यदि यह मिनिमम संख्या नहीं है तो। ठीक है, तो जो मिनिमम संख्या किसी बैठक को शुरू करने के लिए चाहिए वह आपका कोरम है, वह भी गणपूर्ति है। तो परिषद के मामले में यह है 1/3, यह 1/3 जो भी कुल सदस्य संख्या है उसका 1/3 होता है किसी बैठक को प्रारंभ करने के लिए। तो परिषद में अगर आप देखें तो चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो या नगर निगम हो, परिषद के मामले में 1/2, और PIC और MIC के मामले में अगर आप देखें तो ये आंकड़ा होता है आपका 1/2। इन आधारों पर ही बैठक क्या हो सकती है? शुरू हो सकती है। मान लीजिए परिषद में किसी कार्य को करने के लिए हमने बैठक बुलाई है, मान लीजिए हमने एक सूची बनाई, हमने सूची बनाई और हमने ये कहा कि इन पांच कार्यों को क्या करना है, हमें करना है, और इसके लिए हमने क्या किया, परिषद की बैठक बुलाई। इन कार्यों को पास कराने के लिए हमने बैठक बुलाई है, मान लीजिए 20 जनवरी 2020 को हमने बैठक बुलाई, 20 जनवरी 2020 को कितने बजे? 11 बजे। 11 बजे देखा जाएगा कि क्या 1/3 सदस्य आ चुके हैं या नहीं आए हैं। अगर आ गए हैं तो बैठक प्रारंभ होगी, अगर नहीं आए हैं तो क्या किया जाएगा, 11:15 बजे तक के लिए यह बैठक स्थगित कर दी जाएगी। उसके बाद 11:30 बजे फिर से क्या होगी, बैठक बुलाई जाएगी। मतलब 11:30 बजे से 11:15 बजे तक उन्होंने इंतजार किया 1/3 होने का, और उसके बाद क्या किया, 11:30 बजे तक स्थगित किया, और 11:30 बजे को क्या हुआ, फिर सबसे आकर बैठे सब लोग, और उसके बाद उन्होंने देखा कि क्या 1/3 का आंकड़ा हमारा पूर्ण हुआ है। यदि हो गया है तो बैठक प्रारंभ होगी, यदि नहीं हुआ है तो क्या हुआ जाएगा, यह बैठक स्थगित कर दी जाएगी और एक नया डेट डिसाइड किया जाएगा बाद में। अब मान लीजिए नया डेट डिसाइड हुआ 25 जनवरी 2020 को हुआ, कि क्या हुआ जाएगा, नई बैठक होगी और उसमें कार्य क्या होंगे, ये पांच जो पहली बैठक के हैं वे कार्य संपन्न करने हैं, और हमें क्या करना है, कार्य नंबर 6 और 7 भी कंप्लीट करना है। तो अब 7 काम आ चुके हैं। तो अब देखिए जो 25 तारीख को जो बैठक होगी उस बैठक में भी गणपूर्ति होनी चाहिए, लेकिन देखिए जब सेकंड बैठक हुई, एक बैठक स्थगित हो चुकी है और उन कार्यों को करने के लिए फिर से क्या हो रही है, दूसरी बैठक बैठ रही है। ठीक है, दूसरी बैठक में स्थगित बिना गणपूर्ति के एक बैठक क्या हो चुकी है, हमारी स्थगित हो चुकी है। जब दूसरी बैठक बैठेगी तो इसमें जो 1/3 है गणपूर्ति है वो होना जरूरी नहीं है, और इन पांच कार्यों को करने के लिए जो पहली बैठक में भी होने थे उन कामों को कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए कि 12 सदस्य अब उपस्थित हुए हैं, तो अगर 12 सदस्य उपस्थित हुए हैं तो 7 सदस्यों के माध्यम से क्या कर लिया जाएगा, इन पांच कार्यों को पास करा लिया जाएगा, क्योंकि ये पहली बैठक में जो थे, पहली बैठक में भी क्या थे, ये कार्य थे। देखिए यहाँ पे गणपूर्ति नहीं हुई है, 70 सदस्य में कितने उपस्थित हो रहे हैं, 12 सदस्य ही उपस्थित हो रहे हैं, गणपूर्ति कंप्लीट नहीं होती है, फिर भी क्या हो जाएगा, जब एक बार स्थगित हो चुकी है बैठक और दूसरी बार फिर से बैठ रही है तो यहाँ पर क्या होगा, गणपूर्ति होना जरूरी नहीं होगा, और यहाँ पर सामान्य रूप से जो पांच कार्य दिए गए थे वो पूर्ण हो जाएंगे। और अगर इन दो नए काम जो जुड़े हैं वे भी आपको पास कराने हैं तो आप यहां पर आंकड़ा कितना चाहिए, 2/3 का आंकड़ा चाहिए, जितने उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3, जितने उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3 अगर यह कह देता है कि ये कार्य भी किए जाने चाहिए तो ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, यानी कि इन कार्यों को भी किया जाएगा। तो गणपूर्ति के संबंध देखेंगे या परिषद के मामले में तो 1/3 का आंकड़ा होना चाहिए, और अगर एक बार ऐसा बैठक हो चुकी है जो गणपूर्ति नहीं हुई है और बैठक स्थगित कर दी गई है तो जो सेकंड बैठक बैठेगी उसमें गणपूर्ति का होना आवश्यक नहीं है। लेकिन आप PIC और MIC के केस में देखें तो हमने जैसे बात की थी कि PIC में जो सदस्य संख्या है नगर पालिका के केस में, है ना, कितना है, 1/7 है, नगर पालिका के केस में 1/5 है ना, और MIC के केस में कितना है, कुल सदस्य संख्या जो भी पार्षद होंगे, जो निर्वाचित पार्षद हैं उनका कितना, 20% होगा। तो यहाँ पर जो PIC और MIC में गणपूर्ति कितनी है, 1/2 है। ठीक है, तो ये 1/2 होना ही चाहिए, और ये 1/2 नहीं होगा तो कोई भी कार्य यहाँ पर संपन्न नहीं होगा, यहाँ पे 1/2 होना जरूरी है, और यहाँ पर केवल एक बार अगर नहीं होता है तब पर भी
दूसरी बार क्या किया जा सकता है, गणपूर्ति के बिना भी पूर्ण किया जा सकता है कार्य में। तो ये है आपका कोरम के संबंध में या गणपूर्ति के संबंध में प्रश्न का जवाब। ठीक, अब हम दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा था समिति और सदस्यों के बारे में, कौन कौन सी समितियां होती हैं और कौन सदस्य होते हैं। तो देखिए, हमने पहले जो बात की थी अपने पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में हमने बात की थी हमने सलाहकार समिति के बारे में, हमने बात की थी सलाहकार समिति के। इसके अलावा और कौन कौन सी समितियां होती हैं, तो आप देखेंगे परामर्शदाती समिति होती है पहले, उसके बाद होता है आपका वार्ड समिति होती है, संयुक्त समिति होती है, मोहल्ला समिति होती है। तो देखिए, सलाहकार समिति के बारे में हमारे एक्ट में काफ़ी बातें की गई हैं। उसके बाद जो बात की गई है वह बात की गई है वार्ड समिति के बारे में। इसके बारे में वार्ड समिति के बारे में बात, वार्ड समिति के संबंध में कुछ इस प्रकार से कहा गया है कि नगर पालिका और नगर पंचायत में क्या होगी, वार्ड समिति होगी। आप देखें तो पालिका में, नगर पालिका और नगर पंचायत में, और उन नगर निगमों में जहां पर 3 लाख से अधिक की जनसंख्या है वहां पर क्या होगा, वार्ड समिति बनाई जाएगी। अब हमने ये कहा कि पालिका क्षेत्र है ये, पालिका क्षेत्र के अंदर वार्ड समिति एक वार्ड से भी बनाई जा सकती है और एक से अधिक वार्डों को भी मिलाकर क्या किया जा सकता है, वार्ड समिति को बनाया जा सकता है। वार्ड समिति में क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा और क्या होंगे, 2 अन्य सदस्य होंगे जो उस मोहल्ले से संबंधित होंगे, जो उस वार्डों से संबंधित होंगे। अगर एक वार्ड से मिलकर बन रहा है तो एक वार्ड के, उस वार्ड के मतदाता जो वार्ड के संबंध में विशेष ज्ञान रखते होंगे उन दोनों को जोड़ा जाएगा। अगर 3 वार्डों को मिलाकर एक वार्ड समिति बनाई जा रही तो उन 3 वार्डों में से कोई भी 2 मतदाता इस वार्ड समिति में रहेंगे। देखिए, अगर एक वार्ड से मिलकर बन रहा है तो जो पार्षद होगा वही क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा सीधा। और अगर 2 से 3 वार्डों को मिलाकर ये वार्ड समिति बनाई जा रही है तो ये वार्ड पार्षद क्या करेंगे, अपने में से किसी एक को क्या चुनेंगे, अध्यक्ष चुनेंगे, और अन्य 2 क्या हो जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे। तो अध्यक्ष, सदस्य और 2 अन्य सदस्य जो इस मोहल्ले से संबंधित होंगे वे क्या होंगे, वार्ड समिति के सदस्य होंगे। और समितियाँ अगर आप देखें तो आप देखेंगे मोहल्ला समिति, मोहल्ला समिति के संबंध में आप दिल्ली में केजरीवाल जी के द्वारा सुनते होंगे कि मोहल्ला समितियों को क्या किया जाए, सशक्त किया जाएगा। लेकिन एक्ट में भी यह कहा गया है कि मोहल्ला समितियों को हम सशक्त करेंगे, बट छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मोहल्ला समिति के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं, इसलिए मोहल्ला समिति कुछ कार्य करेगी यह बताया गया है, बाकी शक्तियों के निष्के जो है नहीं दी गई हैं। और आप देखें अगर, तो परामर्शदाती समिति होती है जो परामर्श देने के लिए होती है अलग अलग विभागों को। संयुक्त समिति के बारे में अगर आप देखें, संयुक्त समिति जो है, अगर एक कोई कार्य हमें करना है जो संबंधित किससे है, मान लीजिए जल से संबंधित है, खेल से संबंधित है और वित्त से संबंधित है, तो अब इन सभी कार्यों को एक साथ करना है हमें, तो हम क्या बना देंगे, एक संयुक्त समिति बना देंगे और संयुक्त समिति के माध्यम से इन कार्यों को कंप्लीट किया जाएगा। इनमें सदस्य संख्या कैसी होगी यह निर्भर करता है उस समय की सिचुएशन के ऊपर, तो इनके सदस्य संख्या के बारे में एक्ट में भी कोई बात नहीं की गई है। कुछ और अन्य तथ्य देखिए अगर हम समिति के बारे में, तो समितियों के संबंध में एक और प्रश्न आया था कि इन समितियों में क्या लोकसभा, जो सांसद हैं हमारे सांसद और जो हमारे विधायक हैं, क्या वे भी इन समितियों के सदस्य होते हैं। तो जब आप सांसद और विधायक की समितियों के संबंध में देखेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जरूर सांसद और विधायक किसी न किसी समिति के सदस्य होते हैं, परंतु जब आप यहाँ पर नगरीय प्रशासन के अंदर देखते हैं तो ना ही सलाहकार समिति, ना ही वार्ड समिति, ना ही मोहल्ला समिति, इन किसी भी समिति के सांसद और विधायक सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो नगरीय प्रशासन में जो समितियां बनती हैं उनमें सांसद और विधायक पार्ट नहीं होते। हम ग्रामीण प्रशासन में जब पंचायती राज के संबंध में पढ़ेंगे तो जरूर वहां सांसद और विधायक समितियों के सदस्य होते हैं, तो यहां पर समिति के सदस्य सांसद और विधायक नहीं होते। एक अन्य प्रश्न था कि किन क्षेत्रों को नगरीय निकायों में शामिल किया जाता है, वे कौन से क्षेत्र हैं जिनके, जिन आधारों पर नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम बनाया जाता है। तो हमने अपने पहले वीडियो में, जो इस लेक्चर का पहला वीडियो था, वहां पर बात की थी, लेकिन उसमें हमने ये कहा था कि ये निर्भर किसके ऊपर करता है, राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है कि वह किसी क्षेत्र को नगर पालिका बना रहा है, नगर निगम बना रहा है, नगर पंचायत बना रहा है। हमने ये कहा था कि इसके लिए राज्यपाल को अगर किसी क्षेत्र को लगता है तो वह ऐसा कर सकता है, बट हमने इन जनरल कुछ कंडीशन बनाई थी, हम उनको देख लेते हैं। हमने ये कहा था कि उस क्षेत्र का 400 वर्ग किलोमीटर का क्या होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, 75% से अधिक की जनसंख्या क्या कर रही हो, गैर कृषि कार्य कर रही हो, और 5,000 से अधिक की क्या हो, जनसंख्या हो। ये कुछ सामान्य नियम देखे गए हैं जो जब किसी संरचना को किया जाता है तो ऐसा होता है। और क्या कहा था हमने, और हमने कहा था कि जो ऐसे नगर जो होते हैं क्या, संक्रमणशील, संक्रमणशील क्षेत्रों में क्या बनाई जाती है, नगर पंचायत बनाई जाती है। छोटे जो नगर होते हैं वहाँ नगर पालिका बनाई जाती है, और जो बड़े नगर होते हैं वहाँ नगर निगम बनाया जाता है। लेकिन ये निर्भर करता है किसके ऊपर, राज्यपाल के ऊपर। ऐसा कुछ ना भी हो, अगर कोई नगर जो है बड़ा नगर नहीं है तब पर भी वहाँ नगर निगम बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि वहाँ नगर निगम, उनके विकास के लिए नगर निगम बनाया चाहिए, तो ये पूरा निर्भर किसके ऊपर करता है, राज्य के राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न पूछा है गिरीश जायसवाल जी ने, कुछ अन्य लोगों ने भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, हम इन सभी का जवाब देने की कोशिश करते हैं। हम, मैं बहुत लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जो भी प्रश्न होंगे उन सभी को हम करने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न था अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में, किसके संबंध में, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में, अविश्वास प्रस्ताव।
अविश्वास प्रस्ताव कैसे संबंधित है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव अगर देखते हैं आप, तो नगर पालिका और नगर निगम के केस में, नगर पालिका और नगर पंचायत के केस में हमने कहा था एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी, और कितने लोग, 1/6 सदस्य जो होंगे, जो भी निर्वाचित पार्षद हैं उनका 1/6 क्या देगा, लिखित रूप से आवेदन करता है कलेक्टर के पास, तो क्या होगा, ऐसी बैठक बुलाई जाएगी। और यहाँ पर आप देखें, अगर नगर निगम के केस में, निगम के केस में ऐसी बैठक बुलाने के लिए कितने पार्षद जरूरत होगी, हमें 1/3 पार्षदों की जरूरत होगी जो ऐसी बैठक को बुलाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें, नगर पालिका, पालिका में 1/6 और नगर पंचायत में 1/6 सदस्यों की आपको जरूरत होगी। और नगर निगम के केस में अविश्वास प्रस्ताव को जारी करने के लिए या अविश्वास प्रस्ताव हो इसके लिए आपको कितने, एक लिखित आवेदन देंगे 1/3 सदस्य। और कैसे, उसके बाद क्या हो रहा था, बैठक हो, अगर होती है तो बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, इस संबंध में क्वेश्चन और भी आया है कि जो पहली बैठक होती है, है ना, बैठक होती है उसमें कौन अध्यक्षता करता है, तो मैं दोनों को देखता हूं, बैठक कैसे होती हैं और इन बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप बैठक को समझें, तो जो पहली बैठक हो रही है, देखिए मान लीजिए रिजल्ट आया हमारा 31 दिसंबर को, हमने क्या कहा, 2019 को रिजल्ट आया, चुनाव का परिणाम आया। अब इस चुनाव परिणाम आने के बाद, चुनाव परिणाम आया उसके बाद क्या होगा, हमने कहा था कि 15 दिनों के अंदर आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेंगे। जहां पर ये पहली बैठक होगी, इन 15 दिनों के अंदर क्या होगी, पहली बैठक होगी, पहले बैठक में क्या किया जाएगा, शपथ लिया जाएगा, एक निश्चित प्रारूप होगा शपथ का, इसके पार्षद के जो भी होंगे, पार्षद के संबंध में एक शपथ का निश्चित प्रारूप होगा, इस प्रारूप के माध्यम से क्या लिया जाएगा, शपथ लिया जाएगा। अब ये शपथ ले लिया तो ये शपथ दिलाएगा कौन, तो शपथ दिलाने के संबंध में ये नियम कहता है, शपथ कहाँ कहाँ हो रहा है, नगर पंचायत में, नगर पंचायत में अगर आप देखें, नगर पंचायत में ये कहा जाता है कि यहाँ पर कौन होगा, तहसीलदार लेवल से, तहसीलदार लेवल से छोटा अधिकारी नहीं होगा नगर पंचायत में। अगर आप देखें यही चीज़ नगर पालिका में, नगर पालिका में कौन होगा, डिप्टी कलेक्टर लेवल का अधिकारी, हमने यहाँ पर क्या कहा है, क्लास टू अधिकारी, कौन, क्लास टू अधिकारी होगा। और अगर आप नगर निगम में देखें, अगर आप नगर निगम में देखते हैं तो यहाँ कौन होगा, कलेक्टर होगा। ये कहाँ देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप पहली बैठक, जो हमारी पहली बैठक हो रही है जहाँ पर ये चुने जाएंगे, चुने जाने में नगर पंचायत के केस में तहसीलदार से छोटा अधिकारी नहीं होना चाहिए, नगर पालिका केस में, केस में क्लास टू ऑफिसर से छोटा नहीं होना चाहिए, और नगर निगम के केस में कलेक्टर से छोटा अधिकारी नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए, अगर अविश्वास प्रस्ताव का समय आप देखें तो आप क्या कर लेंगे, एक ऊपर का अधिकारी डालेंगे, नगर पंचायत जहाँ पहली बैठक में तहसीलदार लेवल का अधिकारी आ रहा था, वहाँ अविश्वास प्रस्ताव के समय कौन आ जाएगा, क्लास टू ऑफिसर आ जाएगा, डिप्टी कलेक्टर लेवल का अधिकारी आ जाएगा। नगर पालिका जहाँ डिप्टी कलेक्टर लेवल का अधिकारी पहली बैठक में था, अब कौन आ जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव के समय कलेक्टर लेवल का अधिकारी आ जाएगा। और नगर निगम में जहां कलेक्टर लेवल का अधिकारी पहली बैठक को संबंधित करा रहा था, वहां क्या आ जाएगा, संभागीय आयुक्त या संचालक स्तर का अधिकारी आ जाएगा, वहां कौन आ जाएगा, संचालक लेवल का अधिकारी आ जाएगा या संभागीय आयुक्त आ जाएगा। तो अगर अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है तब, तो यहां अगर आप कहें कौन आ रहा होगा, यहां पर आ रहा होगा तहसीलदार से ऊपर का अधिकारी पहली बैठक में, लेकिन अगर आप नगर पंचायत में देखें अविश्वास प्रस्ताव के टाइम कौन आएगा, डिप्टी कलेक्टर लेवल का अधिकारी आएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे अगर, तो इस बैठकों को संपन्न कराने के लिए आते हैं। और हमने बात की थी अविश्वास प्रस्ताव में, तो अविश्वास प्रस्ताव पास कैसे होता है, तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए हमने कहा था कि कुल सदस्य संख्या का 1/2 से अधिक होना ही चाहिए, और उपस्थित और मतदान करने वालों का कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। किसी ने कहा है कि सर इसको दो न आए, दो बैठक में उठकर चले जाएं, इसके संबंध में बता दीजिए। तो अगर हम इसको देखते हैं कैसे होगा, ये मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 36 लोग हैं पूरी परिषद में, हम नगर पालिका, एक नगर पालिका ले रहे हैं उसमें 36 सदस्य हैं, 36 सदस्य का अगर हम 1/2 करें तो 1/2 होगा हमारा 18, तो यानी 19 सदस्य क्या होने चाहिए, होने चाहिए अगर किसी प्रस्ताव को पास कराना है तो। लेकिन हम कहेंगे अगर 36 सदस्य उपस्थित हो गए तो कितने हो गए इसका, यानी 24, यानी कि 25 सदस्यों की जरूरत पड़ेगी। हम ये कहते हैं कि इस बैठक में कितने लोग आए, 36 लोग ना आकर कितने लोग आ गए, 28 लोग आए। बैठक में चर्चा प्रारंभ हुई और जब हमारा लगा कि हमें मतदान करना पड़ेगा अविश्वास प्रस्ताव के लिए, तो उस समय क्या हो गए, 5 लोग चले गए। ठीक, 5 लोग जब चले गए तो यहाँ पर बच कितने गए, 23 लोग बच गए। और 23 लोगों में से, 23 लोगों में से क्या किया उन्होंने, 23 लोगों में से 5 लोगों ने पक्ष में वोट किया कि अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होना चाहिए, हमारा जो अध्यक्ष है वो सही है। ठीक है, अब बचे कितने, यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव के साथ 18 लोग हैं। तो ऐसे में क्या हो गया, हमारा मिनिमम आंकड़ा कितना है, 19 का है, और ऐसे में प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। मान लीजिए संख्या 4 होती है और ये क्या हो जाते, 19 हो जाते, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता, प्रस्ताव पारित हो जाता। हमने कहा कि देखिए उपस्थित और मतदान करने वाले, ये लोग उपस्थित थे
28 में ये लोग क्या थे, उपस्थित थे, लेकिन जब मतदान होने लग गया तो क्या हो गया, ये लोग चले गए। तो अब ये काउंट में नहीं आएंगे। अब काउंट में कौन आएगा, जो वहां पर उपस्थित होंगे वही लोग काउंट में आएंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, अगर 5 लोग बाहर चले गए और 18 लोग बस मतदान किया तो ऐसी कंडीशन में प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा और वो अध्यक्ष अपनी जगह पर रह जाएगा। और अगर 4 ही लोग उन्होंने क्या किया, पक्ष में वोट किया और 19 लोगों ने उसके खिलाफ वोट किया तो ऐसी कंडीशन में प्रस्ताव पारित हो जाएगा, क्योंकि उपस्थित और मतदान करने, देखिए आधे से अधिक हो गया है और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 तो वह है ही, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो यह आपका अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में चर्चा है। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में एक बात जो रह जाती है वह यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया कब जाता है। देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो है वह कब लाया जा सकता है, 2 वर्ष के बाद ही लाया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई क्या बना, अध्यक्ष बना। अब ये अध्यक्ष अगर बना है तो इस अध्यक्ष के चुने जाने के बाद 2 वर्ष तक आप ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव इसके खिलाफ नहीं ला सकते। 2 साल बाद आप अविश्वास प्रस्ताव लाओगे, और यदि माना गया कि 2 वर्ष के बाद आपने कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया और यह अविश्वास प्रस्ताव क्या हुआ, पास नहीं हो पाया, तो इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद 1 वर्ष तक आप फिर से इसके बीच में, जब तक 1 वर्ष बीत नहीं जाता तब तक आप कोई अविश्वास प्रस्ताव पुनः नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये 2 वर्ष के बाद ही आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो। एक अविश्वास प्रस्ताव जो पास नहीं हो पाया है उसके 1 वर्ष के बाद ही अब कोई अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, इस 1 वर्ष के दौरान कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। और यदि कोई अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वह 6 माह से कम बचा हुआ है, मतलब 4.5 साल बीत चुके हैं, 6 माह से कम अगर कार्यकाल बचा हुआ है, तो 6 माह से कम कार्यकाल अगर बचा हुआ है तो अब अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, क्योंकि 6 माह के बाद अगर लाते भी हैं तो इस 6 माह में क्या हो पाएगा, अपना चुनाव फिर से नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जब 6 माह कार्यकाल बचा होता है तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इसलिए आप अगर देखें तो ये 3 नियम आपको देखने को मिलते हैं अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में है। 2 वर्ष के बाद ही आप ला सकते हो, पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसके 1 वर्ष के बाद ही ला सकते हो, अगर 6 माह से इस बचे हुए हैं तो आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। तो ये बात है हमारी अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में। अगला प्रश्न है जमानत राशि के संबंध में, किसके संबंध में, जमानत राशि के संबंध में। तो जमानत राशि, देखिए अगर हम जमानत राशि के संबंध में प्रश्न देखें तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस प्रकार से है कि कुछ लोगों को लगता है कि अध्यक्ष का पद के लिए भी जमानत राशि होगी। देखिए अब वर्तमान में क्या है, जमानत राशि जमा कब कर जाती है इस पे ध्यान दीजिएगा। जमानत राशि जब आप नामांकन दाखिल करते हैं, क्या दाखिल कर रहे हैं, अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, उस समय क्या होगा आपका जमानत राशि जमा की जाएगी। तो जमानत राशि और उससे अगर आप जो है कुल जो वैध मत होते हैं, वैध मतों का 1/6 नहीं पाते हैं, तो ये जमानत राशि क्या हो जाएगी, सरकारी खाते में चली जाएगी, राज्य सरकार के पास चली जाएगी। तो 1/6 आपको क्या करना है, वैध मतों का प्राप्त करना है। अगर आप जब जमानत राशि के बारे में देखते हैं तो जैसे रायपुर नगर निगम है, रायपुर नगर निगम के अंदर अध्यक्ष सभापति क्या इनकी अलग जमानत राशि होगी और पार्षद के लिए अलग जमानत राशि होगी, तो जी नहीं, अब बिल्कुल ऐसा नहीं है, है ना। पहले कुछ दिन पेपर में इस तरीके से आया हुआ था कि अध्यक्ष के लिए अलग राशि है और पार्षद के लिए अलग राशि है, सभापति के लिए अलग राशि है, तो अब ऐसा नहीं हो सकता। जब ये खबर आई थी तो कब आई थी, जो संशोधन हुए हैं, जो संशोधन हुए हैं उनसे पूर्व की ये खबर थी। तो अब जो केवल जमानत राशि होगी किसके लिए होगी, पार्षद के लिए होगी, है ना। हमारे कमेंट में भी किसी ने क्या किया है, अध्यक्ष की पार्षद, अध्यक्ष की नगर निगम में, नगर निगम में मेयर की और पालिका में अध्यक्ष की जमानत राशि के संबंध में लिखा हुआ है, बट अध्यक्ष और मेयर का अब क्या होगा, जमानत राशि बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अब सभी पार्षद हैं। पार्षद अपने में से क्या कर रहे हैं, पार्षद अपने में से अध्यक्ष या सभापति बना रहे हैं या फिर मेयर बना रहे हैं, तो अब अलग से जमानत राशि अध्यक्ष के लिए नहीं होगी, अब किसके लिए होगी, केवल जमानत राशि पार्षद के लिए होगी। और पार्षद के संबंध में भी जो आंकड़े आ रहे हैं वो आपको अलग अलग देखने को मिलते होंगे। जैसे आप रायपुर नगर निगम में देखें तो यहाँ पर 5,000 रुपये जमानत राशि थी पार्षद के लिए, ठीक है। और देखें आप नगर पालिका में तो 3,000 और 1,000। आपको ये भी कह सकता है कि नहीं सर, हमने तो देखा है, हमने तो फॉर्म भरा, यहाँ पर जमानत राशि कितनी थी, 2,000 थी, ठीक है, हमारा नगर पालिका क्षेत्र है और वहाँ पर जमानत राशि क्या थी, 2,000 थी। या कोई ये कह सकता कि मैं तो पार्षद चुनाव लड़ा भी हूँ, मैंने जमानत राशि के रूप में 2,000 दिया है। तो हाँ, ये हो सकता है, पॉसिबल है। क्या हुआ है कि जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर जमानत राशि की, जमानत की राशि जो है वो घटाई और बढ़ाई गई है, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड लेके चले हम तो जो लिया जा रहा है बड़े नगर निगमों में 5,000, बड़े नगर पालिकाओं में 3,000 और नगर पंचायत में 1,000, बट ये जनसंख्या के आधार पर भी परिवर्तित भी हो सकता है। तो स्टैंडर्ड आपका 5,000, 3,000 और 1,000 है और इसमें जनसंख्या के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। तो हो सकता है कि कोई नगर पालिका हो जहां पर क्या हो सकता है, 2,000 जमानत राशि रही हो। तो जमानत राशि के संबंध में देखेंगे आप, जमानत राशि केवल और केवल पार्षद के लिए इस बार होगी, नगरी सिस्टम में केवल और केवल अध्यक्ष और मेयर के लिए कोई जमानत राशि नहीं होगी, केवल पार्षद के लिए होगी। पार्षद के लिए हमने कहा 5,000, 3,000, 1,000, हाँ इसमें कुछ क्या हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं, वे निर्भर करते हैं उस नगर पालिका, उस नगर निगम की जनसंख्या के ऊपर, वहां पर किस प्रकार से क्या जमानत राशि ली जा रही है। जमानत राशि के संबंध में एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है कि
जैसे कि हमने कहा कि रायपुर नगर निगम में 5000 रुपए क्या दिए हैं, पार्षद ने दिए हैं, यह क्या थी, जमानत राशि है। तो क्या यह जमानत राशि सभी के लिए थी? तो जी नहीं, ये जो जमानत राशि थी वह SC ST OBC और फीमेल इनके लिए नहीं थी, यह किनके लिए, इनके लिए नहीं थी, ये केवल अनरिजर्व्ड मेल के लिए थी, ठीक। और ST SC OBC और फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, उन सबको क्या है, इस जमानत राशि में 50% की छूट मिलती है। मतलब अगर 5000 की जमानत राशि है तो उनको कितना देना है, उनको केवल 2500 देना है। ये 2500 किनको देना है, ST SC OBC और फीमेल को, फीमेल किसी भी वर्ग की हो सकती है। तो जमानत राशि के संबंध में अगर आप देखें तो जो जमानत राशि होती है उसका आधा अमाउंट है, उसमें 50% का डिस्काउंट किसको मिलता है, इन सब वर्गों को मिलता है। तो जमानत राशि आप याद रखेंगे कि बड़े नगर निगमों में कितनी थी, 5000 थी, और 5000 का कितना होता है, 50% नहीं देना होता है किसको, ST SC OBC और फीमेल को। तो ये बात हुई हमारी जमानत राशि के संबंध में। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन, अगला उस क्वेश्चन है कि धाराओं के संबंध में कुछ बातें बताइए। देखिए पूरे नगर निगम के एक्ट में बहुत सारी धाराएं हैं, और धाराएं अगर आप याद करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि धाराओं को ज्यादा याद आपको नहीं करना चाहिए, और जो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं आप उन्हें छोड़ सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन बनाना जरूरी नहीं है, इतनी सारी धाराएं याद नहीं की सकती। एक धारा जो मेरे ख्याल से भारतीय संविधान के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वह है कि भाग 9 क्या है आपका, खा में, भारतीय संविधान के भाग 9 खा में आपने चर्चा की है, किसके संबंध में, ये नगरीय निकायों के बारे में। और नगरीय निकायों के अंदर 243 वाय एक धारा है जिसमें बात की गई है राज्य वित्त आयोग की, इसकी बात की गई है राज्य वित्त आयोग। देखो ये नगर निकायों को और पंचायती राज व्यवस्था को जहां से पैसा मिलता है कि अगर राज्यों ने क्या किया है, राज्य के पास कर आएगा, राज्य के कर में नगरीय निकायों का और पंचायतों का क्या हिस्सेदारी होगी, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है, राज्य वित्त आयोग के पास है। जैसे भारत में केंद्र सरकार के पास जो पैसा आता है उसको राज्य वित्त आयोग की सहायता के माध्यम से क्या किया जाता है, राज्यों को वितरित किया जाता है। उसी प्रकार से नगरीय निकायों को और पंचायतों को किस प्रकार पैसा प्राप्त होगा, इसका निर्धारण कौन करता है, राज्य वित्त आयोग करता है। अगर आप देखें तो चंद्रशेखर साहू जी क्या थे, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। चंद्रशेखर साहू जी क्या थे, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने लगभग 10% की राशि जो है, जो भी राज्य का खजाना है उसके हिसाब से 10% राशि क्या दी थी, उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि राज्य राशि का 10% हिस्सा किसको दिया जाए, नगरीय निकाय और पंचायती राज को दिया जाए। इसमें से उसमें पंचायती राज के लिए लगभग 6.61 था और नगरीय निकायों के लिए 3.39 का जो पैसा था उतना पैसा कितना किसको दिया जाए, पंचायतों को देखिए 6.61 और 3.39 के आसपास क्या था, ये लगभग आंकड़ा है ना, इसमें ये कहा गया था कि इतना राशि जो है नगरीय निकायों को दी जाए। अब ये प्रस्ताव इन्होंने किसको दिया, राज्य सरकार को दिया। राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह राशि नगरीय निकायों को देती है या नहीं देती है, लेकिन राज्य वित्त आयोग लगभग वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं राज्य सरकारें उन्हें मान लिया करती हैं। तो आप याद रखेंगे राज्य वित्त आयोग की धारा कौन सा है, 243 वाय है। हमारे यहाँ पहले अभी राज्य वित्त आयोग था, उसके अध्यक्ष कौन थे, चंद्रशेखर साहू थे, और उन्होंने यह अमाउंट क्या हुआ था, देने का प्रस्ताव रखा था। तो इस एक्ट को जरूर आप, इस धारा को जरूर आप याद रख सकते हैं। अब अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है बजट के बारे में, कुछ और अन्य प्रश्न भी पूछे गए हैं पर उन पर हमने चर्चा कर ली है, तो हम चर्चा करते हैं अपनी बजट पर। देखिए बजट, ये बजट किसका, नगर पालिका का, नगर पंचायत का और नगर निगम का। तो अगर बजट देखते हैं तो बजट नगर पालिका और नगर पंचायत में कौन करेगा तैयार, वो करेगा CMO, और नगर निगम में कौन करेगा, आयुक्त या कमिश्नर हम जिसे कहते हैं, नगर निगम आयुक्त या नगर निगम कमिश्नर इसे तैयार करेगा। तो काम बजट को तैयार करने का काम किसको, CMO का हुआ नगर पालिका और नगर पंचायत में, और यहाँ किसका हुआ, नगर निगम कमिश्नर या नगर आयुक्त को। अब ये अपना बजट तैयार करके 15 नवंबर तक इसको देंगे, ये 15 नवंबर तक देंगे MIC को या PIC को। ये लोग CMO किसको देगा, PIC को देगा, आयुक्त किसको देगा, MIC को देगा। अब यह जो है ये MIC इसमें कोई बदलाव भी कर सकती है, जो CMO अगर कोई दे रहा है बजट बना के तो उसमें MIC या PIC क्या कर सकती हैं, बदलाव भी कर सकती हैं और अपने तरीके से कुछ चीज़ें उसमें ऐड भी कर सकती हैं। तो इस तरह से ये 15 नवंबर को जो इनको प्राप्त होगा इसको ये लोग फाइनल कब करेंगे, 15 जनवरी तक इसको क्या कर देंगे, फाइनल कर देंगे इस बजट को। अब इस बजट को अगर 15 जनवरी तक ये फाइनल हो गया तो यहाँ पर उसके बाद 15 फरवरी तक क्या होना चाहिए, इसको परिषद में पास होना चाहिए, परिषद में पास हो जाएगा। मतलब देखिए बजट बन कैसे रहा है, CMO या आयुक्त इस बजट को बना रहे हैं, 15 नवंबर तक ये बनाएंगे, किसको देंगे, MIC और PIC को देंगे। 15 जनवरी तक MIC और PIC को इस बजट को रेडी करना है, 15 फरवरी को क्या कर देंगे, 15 फरवरी की कंडीशन में ये बजट क्या हो जाना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। अब जब बजट पास होने के बाद किसके पास जाता है, राज्य सरकार के पास, राज्य सरकार की अंतिम स्वीकृति चाहिए होती है। कुछ बुक्स में लिखा है कि राज्य सरकार की अंतिम स्वीकृति नहीं चाहिए होती है, तो देखिए
यहाँ तक कि दिल्ली जैसा राज्य है, जैसे विधानसभा भी है, वहाँ पर भी जो है जो बजट पास होता है उसके बाद वो संसद के पास अनुमति के लिए जाता है। तो जो स्ट्रक्चर है हमारा महापौर का और नगरीय निकायों का, उसमें देखेंगे तो राज्य सरकार का जो क्या होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? राज्य सरकार का। तो राज्य सरकार का अगर नियंत्रण है तो वो क्या है, बजट आपका पैसे से संबंधित है, वित्त से संबंधित है, तो वित्त की अंतिम स्वीकृति तो राज्य सरकार देती है। देखिए अगर यहाँ से पास हो जाता है तो वही राज्य सरकार ही पास कर देती है, लेकिन राज्य सरकार को अगर ऐसा लगता है कि बजट में कुछ प्रॉब्लम है तो क्या कर सकती है, उसमें परिवर्तन भी कर सकने का अधिकार रखती है। पूरे के पूरे नगरीय सिस्टम पर देखेंगे या ग्राम पंचायतों पर देखेंगे तो राज्य सरकार का पूर्ण नियंत्रण है। किसका नियंत्रण है? राज्य सरकार का पूर्ण नियंत्रण है। इसलिए यहाँ पर कहेंगे कि बजट क्या होता है, बजट जो है राज्य सरकार के अंतिम अनुमति के लिए, राज्य सरकार के पास अंतिम अनुमति के लिए बजट जो है जाता है। तो ये पूरी क्या है आपकी बजट की प्रक्रिया है। कुछ और अन्य प्रश्न थे हमारे पास, स्वाति ताम्रकार, वर्तिका अग्रवाल, इनका था कि हाँ इनका वही था पहला सम्मेलन के संबंध में, तो हमने पहले सम्मेलन के बारे में बात कर ली है। और एक प्रश्न है हमारे पास हेमचंद जी का, उनका कहना है क्या अध्यक्ष और मेयर के पद भी आरक्षित होते हैं एसटीएससी फीमेल के लिए? तो जी अगर कोई पद जो है क्या है आरक्षित है, हमने कहा कि अध्यक्ष का पद क्या है आरक्षित किया गया है, तो आरक्षित किसके लिए किया गया, एसटी के लिए। हमने ये कहा कि नगरीय सिस्टम में जो आरक्षण होता है वह महिला आरक्षण कितना है 33% है और पंचायती राज व्यवस्था में 50%। देखिए याद रखिएगा 50% सिर्फ पंचायती राज में है, नगरीय निकाय में कितना है 33% ही है। तो 33% जो अध्यक्ष की सीटें होंगी वे भी क्या होंगी, फीमेल के रिजर्व होंगी, अर्थात फीमेल रिजर्वेशन, अर्थात फीमेल रिजर्वेशन जो है आपका एसटी महिला के लिए होगा, अध्यक्ष के पद में भी हो सकता है और अन्य सभी पदों पर हो सकता है, क्योंकि 33% आपको क्या देना है, महिला आरक्षण देना है। और कुछ क्वेश्चन है कि हमने पढ़ा था कि किशन साहू का कि 50% जो सीटें हैं अगर वे आरक्षित, उससे भी ज्यादा भी है तब पर भी ओबीसी के लिए आरक्षण होता है, नहीं अगर 50% से अधिक सीटें आरक्षित हैं एसटी एससी के लिए तो ओबीसी के लिए जो आरक्षण होता है वह नहीं होता। एक्ट में लिखा है कि अगर 50% से, देखिए ऐसा तो नहीं लिखा है कि नहीं होता, उन्होंने ये कहा है कि अगर 50% से कम आरक्षण होगा तभी क्या होगा, ओबीसी के लिए 25% आरक्षण होगा। ठीक है, तो ओबीसी का आरक्षण के लिए उन्होंने कंडीशन रखी कि एसटी एससी की जो आरक्षण है वो क्या होना चाहिए, 50% से कम होना चाहिए, तब ओबीसी का आरक्षण 25% होगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो ओबीसी आरक्षण तभी होता है जब एसटी एससी का क्या होता है 50% से कम होता है। ठीक है, और अगर कुछ क्वेश्चन देखें तो आपने लिखा है कि एक क्वेश्चन आया कि हमारे एफटीआर में हमने जो 3000 क्वेश्चन दिए हैं उसमें हमने लिखा है प्रत्यावर्तन या राइट टू रिकॉल का प्रोसेस अध्यक्ष के लिए हमने अपनाया है और हमने लिखा है कि उसमें होता है क्या। तो देखिए जो क्वेश्चन था वो हमने पूछा था लगभग सितंबर के महीने में जो हमारी टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें क्या हुआ था, हमने वो क्वेश्चन पूछा था। तब तक इस टाइप के कोई भी बदलाव नहीं हुए थे, संशोधन नहीं हुए थे, वर्तमान में क्योंकि संशोधन हो चुका है। अब देखिए अध्यक्ष जो है पहले क्या चुना जाता था, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था, तो प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रत्यावर्तन लाना पड़ता है, राइट टू रिकॉल लाना पड़ता है। लेकिन अब अध्यक्ष कैसे चुना जा रहा है या मेयर कैसे चुना जा रहा है, आप चुने जा रहे हैं अप्रत्यक्ष तरीके से, तो इनको हटाने के लिए आप क्या लाएंगे, आप अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया या राइट टू रिकॉल का प्रोसेस जो होता है वह अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि अब देखिए जनता इसमें महापौर को चुनने में या अध्यक्ष को चुनने में जनता का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ये किसको चुन रहे हैं, अपने पार्षद को चुन रहे हैं। तो अध्यक्ष को चुनने में जब जनता का हाथ नहीं तो उसको हटाने में भी जनता का सहयोग नहीं लिया जाएगा, इसे हटाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। इसलिए यहाँ पर प्रत्यावर्तन की जो प्रक्रिया है वो अपने आप खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने प्रश्न पूछा था वह हमारा सितंबर महीने का प्रश्न है, इसलिए उसका उत्तर लिया गया होगा। लेकिन अब वर्तमान में आप इसको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, वर्तमान में अध्यक्ष या मेयर के लिए कोई प्रत्यावर्तन नहीं होगा, अब केवल और केवल अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उन्हें हटाया जा सकता है। और प्रश्न है कि और उन्हें कौन हटा सकता है, देखिए अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से तो पार्षद हटा रहे हैं, हमने कहा कि राज्य सरकार का नगरीय निकायों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण है। तो राज्य सरकार को अगर ऐसा लगता है कि कोई नगर निगम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिसमें राज्य का भलाई नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में राज्य सरकार चाहती है तो ऐसे अध्यक्ष या पार्षद को क्या कर सकती है, हटा सकती है। तो ऐसे अध्यक्ष को हटाने का काम कौन कर सकता है, राज्य सरकार कर सकती है। तो ये है, आपने कुछ प्रश्न पूछे थे उसके हमने जवाब दिए हैं और लगभग हमने शामिल लगभग सभी क्वेश्चन को कर लिए हैं। अगर कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं तो हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें भी शामिल कर सकते हैं। अगला जो वीडियो हमारा होगा वो सोमवार के दिन आएगा। तो अगले 3 दिन तक आप जो पंचायती राज से जो भी संबंधित प्रश्न है आपके पास, हम अगले जो सोमवार और मंगलवार को जो वीडियो आएगा उसमें हम पंचायती राज और उसके निर्वाचन से संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके पास हैं, जो भी डाउट होंगे आपको, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रेखांकित करेंगे और फिर उन प्रश्नों को लेते हुए हम पंचायती राज व्यवस्था को पूरे क्वेश्चन को। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।